इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के। भवन में आप लोग हैं, आप लोगों को निमंत्रित किए हैं हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और आप अमला सिंह हैं, आप वकील साहब, आप विभा मिश्रा और बहुत सारे किरायेदार यहाँ पे हैं जो इस भवन में रहते हैं। पिछले काफ़ी वर्षों से जो खासगी अहिल्याबाई देवी, खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट पे अवैध कब्जा भू माफियों का हो रहा है, और इसकी वजह से वो लोग बार माफियाओं का आदमी जिसको कि वो लोग काट बताते हैं, और जो लोग इस भवन में रहते आए हैं उनको आने जाने के लिए पूछेंगे, अगर उनके रिश्तेदार यहाँ आएंगे जाएंगे रोका जाए उनको रोकने में, जो आज तक किराएदार रहते हैं और ये किराएदार का किराया कोर्ट में अतिक्रमण आ करके, और आप देख रहे होंगे एक कमरे को, दो तीन कमरों को इन लोग खाली भी करा दिए हैं पुलिस के साथ मिलकर के। दशा समेत जो थाना है और ये चौकी है, इसका पूरा संरक्षण इन भू माफियाओं को मिला हुआ है, तो हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें, तो इसलिए पहले आप लोगों से बताएं। और लिखा पढ़ी हम लोग कई जगह कर चुके हैं, शिकायत जो यहाँ पे सुमित्रा महाजन है जो, और जो इंदौर ट्रस्ट है, जो इस ट्रस्ट के जो भी कर्ता धर्ता जो ट्रस्टी लोग हैं उन तक अपनी बात को लिखित रूप में हम लोग पहुँचा चुके हैं, योगी जी को, पीएम जी को, प्रधानमंत्री जी को, सबको हम लोग अपनी शिकायत पहुँचा चुके हैं। और ऊपर से जब जांच आती है तो यहाँ पे फिर जांच में कुछ समझ में नहीं आता कि जांच रिपोर्ट क्या हुई, हम सही हैं या वो भू माफिया सही हैं, ये इसका कुछ अता पता नहीं चलता। तो इसीलिए अब हम लोग निराश हो गए थे कि दिन प्रतिदिन ये टॉर्चर बढ़ता जा रहा है, ये टॉर्चर अभी फिजिकल तो नहीं हुआ कि वो आके मारने लगे, लेकिन पुलिस की सह ऐसी है कि पुलिस आ करके खड़ी हो करके बिना कोई कारण बताए, बिना कोई कागज दिखाए ये लोगों किराएदारों को निकालती है। जो किराएदार को अभी नहीं निकाल पाई है, जो संघर्ष कर रहे हैं उनके बच्चों को, उनकी महिला लोग प्रतिरोध करेंगे तो उनके परिवार को फर्जी मुकदमा बोलते हैं कि फर्जी मुकदमे में फंसा मुकदमे में फंसा देंगे, ऐसा नहीं बोलते, बोलते फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, तो ये बात समझ में नहीं आती। मैं अमला सिंह शिक्षिका हूँ और मैं अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट की निवासिनी हूँ, कई पुस्तों से हम लोग यहाँ रहते चले आ रहे हैं। अहिल्या जी, अमला जी किस तरह का पत्रकार वार्ता कर रही हैं, क्या उद्देश्य? हमारा उद्देश्य है कि जो महारानी अहिल्याबाई ने धर्मार्थ इन भवनों को बनाया है उसकी सुरक्षा संरक्षा की जा सकती है, वो जो मूल रूप में है उसी तरह रहें, उनको होटल वगैरह बनाने के लिए जो भू माफियाओं का इरादा चल रहा है, जो कब्जा होने की बात चल रही है वो ना होने सके, इसका हम विरोध करते हैं। जो धार्मिक स्थल है इसमें गंगा जी की प्राचीन मूर्ति है, हम चाहते हैं कि वो यथावत रहे और अहिल्याबाई का जो धर्मार्थ कार्य है वो आगे बढ़ता चला जाए, और भू माफिया जो हैं वो हम लोगों के ऊपर अनावश्यक दबाव डाल के ज़बरदस्ती हम लोगों को निकालना चाहते हैं और हमेशा धमकी देते हैं, राह चलते हम लोगों का एकदम आना जाना मुश्किल कर दिए हैं, और यही धमकी रहती है कि बस जल्दी से छोड़ के चले जाओ, जबकि न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, उसका जो फैसला आएगा हम मानने को तैयार हैं। क्या मांग करती हैं आप? हम बस यही मांग करते हैं कि ये धरोहर ये सरकार ले ले, सरकार ले ले, या फिर वो यथावत जिस स्थिति में है वैसा रहे, इसको पर्यटन स्थल इस तरह का न बनाया जाए जिसमें कि आमिष भोजन बने, होटल रहे या किसी प्रकार का कुकृत्य इसमें हो, ऐसा नहीं चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।